सिक्स क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। तो आज कुछ क्वालिटीज करेंगे, बाकी कुछ क्वालिटीज कल हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कृति वांछालं पंगुं नंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। वैष्णव की 26 क्वालिटी क्या है, लेकिन आज हम कुछ क्वालिटीज करेंगे और कुछ हम कल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे। पहले तो हमें देखना है कि एक शुद्ध भक्त होता है जो वो हर किसी के लिए उदार होता है, प्रेरणादायक होता है। तो शुद्ध भक्त के आचरण से, वैष्णवों के आचरण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल पड़ता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है भाग्यशाली होता है जो भगवान के भक्त की संगति में आए और शुद्ध भक्त की संगति में आए, तो उसकी क्वालिटीज जो है अपने अंदर अडेप्ट कर देता है, क्योंकि वो आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आ जाए। तो हमें ये देखना है कि भगवान के भक्त के साथ संगति करते हैं, शुद्ध भक्त के साथ, तो उसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है। वैष्णव के अंदर 26 क्वालिटी बताई गई है, जो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 78 नंबर श्लोका में बताई गई है। तो आइए हम वो क्वालिटीज को पढ़ते हैं। पहले गुण क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा ये ना ये किया है। सही सब गुण होए वैष्णव लक्षण, वैष्णव के लक्षण क्या है, ये 26 क्वालिटी है। सही सब गुण होए वैष्णव लक्षण सब कहा न याया करी दिग्दर्शन, है ना। चैतन्य लीला, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22nd chapter 77 श्लोका। तो वैष्णव की क्वालिटीज के बारे में अभी बात करेंगे हम। दो दो तीन तीन क्वालिटी एक साथ लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो वैष्णव की पहली तीन क्वालिटीज हैं, दयालु होता है यानी कृपालु होता है सबके ऊपर, अनुकंपा यानी करुणा करता है, और सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो एक वैष्णव जो है, एक वैष्णव भक्त हमेशा दयालु होता है, वो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि क्या करता है, सब जीवों का शुभ चिंतक होता है, दयालु होता है। दयालु मतलब वो क्या दयालु है, उसके शारीरिक रूप से तो दयालु होता ही होता है, लेकिन उसकी आत्मा के लेवल के ऊपर दया करता है, है ना। उसके आत्मा को भगवान के साथ, उसको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं दयालु होता है, है ना। एक तो एक्चुअली क्या है, एक भक्त हमेशा ये देखता है कि भौतिक अस्तित्व में जितने भी लोग फंसे हैं उनकी पीड़ा से वो क्या होता है, चिंतित रहता है। तो वो हमेशा उनके दुखों को, उनको दुखों से, ऐसे भौतिक संगति से, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से उनको छुड़ाने की कोशिश करता है, और क्या करता है कि वो दया, जीवेर दया दिखाता है। एक वैष्णव जो होता है, शुद्ध भक्त, वो हमेशा जीवेर दया दिखता है, और उसकी हमेशा नाम में रुचि होती है, और वो दूसरे वैष्णवों की सेवा करता है, ठीक है। एक वैष्णव की ये तीन क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीवेर दया, ठीक है। जब व्यक्ति दयालु होता है, कृपालु होता है, तो वो लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए, जो भौतिक दुख में फंसे हुए हैं, जो भव सागर में फंसे हुए हैं, उन दुखों से मुक्त करने के लिए उनके उनको है ना नए नए रास्ते ढूंढता है, उनको कैसे प्रीचिंग की जाए, कैसे भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाए। तो ये क्वालिटी है दयालु। इसमें सबसे ऊपर आते हैं श्रील हरिदास ठाकुर, जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर है ना। वो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जोर जोर से जप करते थे। तो बहुत लोग उनको बोलते थे, आप बहुत जोर से भगवान का नाम जप ना करें, हमें डिस्टर्ब होता है। तो बोले, मैं जब भगवान का नाम जोर से जप करता हूँ तो आसपास में जो मनुष्य है उनका भी उद्धार नहीं होगा, लेकिन जो जीव जंतु है, चींटी है, पशु है, पक्षी है, उनका भी उद्धार चाहते थे। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, इवन फल पौधों पेड़ों को भी उद्धार करना चाहते थे। इसीलिए वो क्या करते थे कि श्रील हरिदास ठाकुर, इसीलिए तो उनका नाम आचार्य हरिदास ठाकुर पड़ा ना,
इसीलिए वो जोर जोर से नाम जप करते थे ताकि सब जीवों के प्रति उनके ऊपर दया थी, इसीलिए वो दया दिखाते थे। जब दया कृपा और क्या बोला मैंने ना, सभी के कल्याण के लिए कार्य करना, तो ये तीनों मैं मिला के एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा था ना, 22 बाजार में पीटा जा रहा था, तब वो भगवान से लगातार क्या प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आप इन राक्षस, ये जो लोग हैं इनको आप क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उनको है ना, वो एक्चुअली जानवरों की तरह उनको मार रहे थे, फिर भी उनके ऊपर है ना कृपा दिखा रहे थे, है ना। तो इसीलिए वो जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे थे कि इनको, और वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे उस टाइम पे, और ये बोल रहे थे कि इनको जो है इनको सद्बुद्धि दो और इनको आपके शरण में ले लो। सो दिस इज हाउ इट इज, है ना। और दूसरा नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु सबसे घृणित है ना, जगाई और मधाई, उनको अभी उद्धार किया देखा जाए तो, उनके प्रति बहुत दया दिखाई, बहुत कृपा दिखाई और उनका उद्धार कर दिया, उनके कल्याण के प्रति उनका उद्धार करने के लिए वो क्या करते थे, उन्हें भगवान को पवित्र नाम जप करने का, जगाई और मधाई को क्या किया, पवित्र नाम जप करने का आग्रह किया। और वो एंड ऑफ द लीला में वो क्या हो गए, वो भगवान का नाम जप कर रहे थे। और जगाई मधाई पहले तो भगवान नित्यानंद प्रभु के ऊपर टूट पड़े, उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया, सब किया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु क्या हुए, उनके ऊपर दया दिखा रहे थे। आज की डेट में अगर हमारे, हम किसी को बोले नाम जप करो और फिर हम उसको थोड़ा आग्रह करें नहीं नाम जपा करो, और वो हमें एक चांटा मार दे, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे छोड़ो यार ये नहीं जप कर रहा है, ठीक है छोड़ दो। लेकिन नित्यानंद प्रभु की दया कृपा, उनके कल्याण के प्रति जो उनकी भावना थी वो क्या बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही उदार थे, ठीक है। तो ये तीन लक्षण हो गए। अगले तीन लक्षण हैं वैष्णव के विनम्र रहते हैं, झगड़ा नहीं करते और झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते, ठीक है। यानी भगवान जो है, एक भगवान जो है वैष्णव शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है ना। अभी इससे पहले हमने देखा दया, तो उसमें एक और चीज में श्लोका ऐड करना, जो एक भजन था नरसिंह मेहता का, वैष्णव भजन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। तो हम लोगों की शारीरिक पीड़ा को देखते हैं, परंतु हम उनकी आत्मा को, पीड़ा को नहीं देखते ना। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग आए ना, शारीरिक पीड़ा देखते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको हॉस्पिटल देते हैं, हॉस्पिटल में बीमारी ठीक कर देते हैं, ठीक करने के लिए दाखिला करा देते हैं, बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, कंबल देके आएंगे, सब कुछ करेंगे, ओके गुड, शारीरिक पीड़ा ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा की पीड़ा को भी तो हमें देखना है ना, कि वो ये भव सागर में फंस गया है, ये भौतिक जगत में फंसा हुआ है, इससे बाहर निकालने का रास्ता हमें बताना चाहिए। तो वैष्णव जन, एक्चुअली वैष्णव वो है जो उसकी आत्मा की पीड़ा को जाने, है ना। इसको एक्चुअल बोलते हैं जीवर दया। जीवर दया वो नहीं है कि आप किसी की शारीरिक पीड़ा को ठीक कर दो, लेकिन जीवर दया वो है जो आपकी आत्मा की पीड़ा को ठीक करो, एक्चुअल जीवर दया वो है। आप अगर जानते हो कि वो फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में, और इस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरी जननी पुनरअपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में फंसा गया है, वो गोते खा रहा है एक बंदर की तरह ऊपर से नीचे वृक्ष में बस भटक रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें ये रास्ता दिखाना है कि तुम जो है यहाँ फंसे हुए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, ये एक्चुअली जीवर दया है, ठीक है। फिर बाकी तीन लक्षण देखेंगे कि विनम्र है, झगड़ा नहीं करता है और झूठी मान प्रतिष्ठा के बिना रहता है ना। एक तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिए द्वारा दिए गए जो है निर्देशों का अनुसरण करता है ना। तो वो अपने आप को क्या, एक तिनके के गली में पड़े हुए एक तिनके के समान से भी छोटा मानकर वो क्या करता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने के लिए लोगों को कहता है। वो झगड़ा नहीं कर जाता, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, झूठी प्रतिष्ठा से, भावना से रहित होता है ना। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, ये फॉल्स ईगो है, ये झूठी प्रतिष्ठा है, ये झूठी प्रतिष्ठा से, झूठे मान से वो हमेशा दूर रहता है ना।
जब जब एक एक प्रसंग है कि जब प्रसिद्ध दिग्विजय विद्वान रूप नारायण ने श्रील रूप गोस्वामी से उनके शास्त्रों पर बहस करने की चुनौती दी थी, तो उन्होंने क्या किया, श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया, ऐसे सांसारिक जो विद्वान है ऐसे लोगों से उन्होंने क्या किया, अपना समय बर्बाद नहीं किया, तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया, भाई तुम विद्वान हो, मेरे से ज्यादा विद्वान हो। वो झगड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता था इनके साथ कितना भी बहस करोगे वो क्या है, वो है ना नीचे अपना अपनी हमारी बात नहीं मानने वाले। तो वो समय नष्ट नहीं करता, विनम्र होता है, झगड़ा नहीं करना चाहता, और बाद में उसको क्या है धीरे धीरे उसको लाइन पे लाता है कुछ अलग तरीके से, बट उनसे बहस नहीं करता है। ठीक है, तो जीव गोस्वामी के बाद जब रूप गोस्वामी ने बहस नहीं की, लेकिन जब जीव गोस्वामी ने उनके साथ बहस की और रूप नारायण को हराया और ये सिद्ध कर दिया कि जो गोसाई का जो पद, श्री रूप गोस्वामी का जो पद है वो एक्चुअली नारायण दिग्विजय नारायण से, रूप नारायण से ऊपर है, तब दिग्विजय नारायण ने क्या किया, श्री रूप गोस्वामी के पास जाके क्या उनसे माफी मांगी और उनके चरण कमलों पे आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो एक्चुअली में विनम्र होता है वो झगड़ा नहीं करता, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कि, है ना, वो न धन के पीछे भागता है, न जन्म के पीछे भागता है, न किसी के पीछे भागता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है और लोगों को भगवान के साथ जोड़ना चाहता है। ठीक है, तो ये झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये हो गया, तीन क्वालिटी और हो गई, विनम्र, झगड़ा नहीं करना और झूठी प्रतिष्ठा। झूठी प्रतिष्ठा मतलब मुझे न स्त्री चाहिए, न धन चाहिए, न कुछ चाहिए, मैं इस बैंक का मालिक हूं, घर का मालिक हूं, नहीं, वो ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं और मैं सब वैष्णवों का दास हूं और मैं कैसे सबकी सेवा कर सकूं, इसके मूड के साथ वो आगे भगवान की भक्ति में बढ़ता है। छह क्वालिटी हो गई, अभी तीन क्वालिटी और है। सत्य, हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा स्टेडी रहता है ना, फिक्स माइंड रहता है। ठीक है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, है ना, वैष्णव हमेशा अपना सर्वोच्च मूड रखता है और हमेशा गुरु को याद करता है, गुरु के आदेशों को याद रख के, है ना, और गौरांग महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति है ना क्या होता है कि हमेशा सत्यनिष्ठ होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा स्टडी फिक्स्ड माइंड रहता है ना। इसमें एक फिर से नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का आता है कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, है ना, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने 300,000 नाम जप करने का जो दिन का जो था पवित्र नाम का जप करना छोड़ा नहीं, ही वॉज स्टडी, ही वॉज फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड कि मुझे ये करना ही है कुछ भी हो जाए। लेकिन हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी खांसी हो जाती, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, प्रभु जी आज 16 माला नहीं की, सिर्फ 4 माला की, बोले क्यों, बोले थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम था, हमारी प्रॉब्लम ये है ना। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका देखिए ना, 30 साल 40 साल उन्होंने वृंदावन में प्रचार किया, कोई भक्त नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, लेकिन वो हारे नहीं, किसी भी परिस्थिति में हारे नहीं, वो स्टेडी फिक्स रहे अपने माइंड में, और वो हमेशा सत्य बोलते थे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए। तो वो क्या की, अपने गुरु के आदेशों को ध्यान में रखा और वो पाश्चात्य देश में जाके ना क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र को है ना क्या किया उन्होंने, जप करना स्टार्ट करवाया। तो स्टेडी होता है, फिक्स्ड इन माइंड होता है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता रहता है, सत्यनिष्ठ होता है ना। और आज के हमारे इस्कॉन में जो गुरु वृंद है बहुत सारे, इजोलिनेस जयपताका स्वामी महाराज, इजोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और बहुत सारे महाराज हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी वो अपने गुरु श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो आदेश है उनका पालन करते हैं और किसी भी परिस्थिति में प्रचार को नहीं छोड़ते हैं। वो सत्यनिष्ठ हैं, फिक्स्ड इन माइंड है उनके, हमें दूर से लगता है इनको इतनी तकलीफ है, ये भगवान का भक्त है, फिर भी नहीं, वो तो अपने हृदय में वृंदावन को वास कराते हैं, तो उनको ये शारीरिक तकलीफ तो कोई उनके मायने लिए उनके लिए मायने नहीं रखता है ना। और दूसरा जो थे सनातन गोस्वामी है ना, जो बहुत ही है ना क्या रोजाना
23 माइल्स जो है ना गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो परिक्रमा उनकी नहीं हो पा रही थी, शारीरिक जो बल उनका कम हो गया था, वृद्ध हो गए थे, तो बहुत कठिन थे। तो फिर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी वो परिक्रमा करते थे। तो भगवान ने क्या किया, ये महसूस किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको एक छोटी सी शालिग्राम शिला, यानी शालिग्राम शिला नहीं गोवर्धन शिला दी और उनको बोला कि आप इसकी परिक्रमा करोगे तो आप क्या हो जाओगे, गोवर्धन परिक्रमा के बराबर हो जाएगा। तो वो सत्यनिष्ठ थे, वो अपने अपने जो अडिग थे वो निष्ठा थे उनमें क्या थे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में वो हमेशा तत्पर रहते थे, है ना, स्थिर थे, फिक्स्ड इन माइंड। ठीक है, फिर दूसरा आता है आगे, हमने 6 गुण देखे, 9 गुण देखे, 3, 3, 6, 9 देखे। ठीक है, 10वां है कि सबके साथ समान रहना। सबके साथ समान रहना मतलब वो आना शत्रु हो या चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, राक्षस हो, सबके साथ समान रहता है। यानी वो देखता है कि ये सब भगवान के अंश और सबके हृदय के अंदर परमात्मा है ना। श्रीमद भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्ति गविनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना, पंडिता समदर्शिना मतलब सबको समान रूप से देखता है, सबको समान रूप से देखता है यानी सबके लिए भलाई के लिए कार्य करता है, सबके अंदर देखता है परमात्मा है। एक शत्रु को भी देखता है, कोई उनका शत्रु हो, ये तो किसी से शत्रुता नहीं करते वैष्णव, लेकिन कोई उनको अपना शत्रु मानता है तो उसके अंदर भी देखते हैं और वो ये देखते हैं माया के में फंसा हुआ है, मुझे इसका उद्धार करना है। तो ये समान रूप से देखते हैं सबको, वो सबको समान देखते हैं, संस्कृति भाषा सबको समान रूप से देखते हैं उनको, उनको जातिवाद ऊंच नीच कुछ नहीं पड़ा रहता है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा चैतन्य चंद, किब विप्र किब सन्यासी शूद्र की नाये ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु होए। ये हमने सिखाया कि जो गुरु, जो दूसरे शब्दों में क्या कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अच्छी तरह से वाकिफ है, अच्छी तरह से जानता है, वो गुरु बनने के योग्य है। चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र क्यों ना हो, लेकिन वो गुरु बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो सबको एक समान देख रहा है ना। हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब हरिनाम संकीर्तन में लगे थे तो उन्होंने क्या किया, सब वो है ना, सब रोड्स वगैरह क्लीन करते थे, सबके लिए समान भावना थी उनकी, है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं कि श्री कालिदास राय ने झाड़ू ठुकरा कर महान भक्त के रूप में पहचाना, फिर भी वो एक सफाई कर्मी थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको है ना गले लगाया, है ना। अभी जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको डिफरेंस नहीं किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी रामानंद राय को गले लगाया, उनकी भावनाओं से अभिभूत हो गए, हालांकि वो निचली जाति से आते थे, लेकिन वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से सीखने को मिलता है हमें, श्री नित्यानंद प्रभु के उदाहरण से हमको सीखने को मिलता है कि वो सबके लिए समान थे, तो वो गुण हमें सीखना चाहिए। ठीक है, ये वैष्णव का गुण है। फिर निष्कलंक होता है, निष्कलंक यानी निर्दोष, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होता उसके अंदर, है ना। वो अपने शब्द कर्म यानी काया और वाणी और मन, इन तीनों से वो कृष्ण को समर्पित रहता है, कृष्ण को समर्पित रहता है और गुरु और कृष्ण की इच्छा से अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार कार्य करता है भगवान के लिए, है ना। वो हमेशा निर्दोष रहता है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को कैसे संपन्न करूं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम योन भूतले। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जो निष्ठा है, चैतन्य मनोभीष्टम जो मन की इच्छा उनकी है, वो भी मेरे मन की इच्छा होनी चाहिए, मेरे गुरु के मन की जो इच्छा है वो मेरे मन की इच्छा होनी चाहिए, ये होता है निर्दोष। उसमें अंदर पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देखता वो काया वाचा और मनसा, वो हमेशा क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति निर्दोष रहता है। और उससे क्या होता है पता है ना, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमें लगा रहता है हमेशा, तो उसको अलग से मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
फिर उदार, सौम्य, मृदु, शांतिपूर्ण व्यक्ति है ना, अकिंचन रहता है, यानी भौतिक भौतिक संपत्ति के बिना रहता है, तो उदार रहता है। उदार रहता है मतलब हर किसी को भगवान श्री कृष्ण का नाम बांटने में रहता लगा रहता है हमेशा, है ना। और दूसरा मृदु, मृदु शांतिपूर्ण रहता है, किसी से वैर नहीं करता और भौतिक संपत्ति नहीं रहती है उसको, वो जितना भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है ना। हम गदाधर दास पंडित के उदाहरण देखते हैं, जिन्होंने पापी जन है ना, काजी जो था उसको, उनको भगवान हरि के नामों का जप करने करने का है ना अवसर दिया और उनका उद्धार किया, है ना। तो इस तरह से वो उदार है। हम बोलते हैं ना, नमो महावदनाय च, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जो है वो नमो महावदनाय, नमो महावदनाय मतलब हर किसी को भगवान श्री कृष्ण का नाम बांटते रहते हैं, है ना, सबका उद्धार किया। और जो जो गदाधर दास पंडित थे उन्होंने क्या किया, काजी के पास जाने का अपना जोखिम उठाया और उनको उनसे जिससे भी सभी से डरते, जो सब जिससे सब लोग डरते थे, लेकिन उनके पास जाके उनको भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कराया, उनकी प्रचार की। तो ये जोखिम उठाता है, ऐसा उदार व्यक्ति होता है, ठीक है। शांत यानी संतुष्ट रहता है, यानी भौतिक संपत्ति के बिना उसकी कोई लालसा नहीं रहती है ना। ये आज 15वां गुण देखेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे, कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेक्चर को शेयर करिएगा। जब भगवान शांत यानी वैष्णव हमेशा शांत संतुष्ट रहता है, भौतिक संपत्ति की कोई लालसा नहीं रहती। यानी एक उदाहरण देंगे कि जब भगवान गौर हरि शशि माता के दर्शन में बंगाल में आए थे, तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया था, कुमारहट्टा यानी हली शहर में श्रीवास पंडित के घर पे रुके थे। और महाप्रभु तब तक ये देखकर चकित रह गए कि श्रीवास पंडित कमाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि पूरा दिन उनके घर में बैठ रहे थे और नाम के जप कर रहे थे। तो इस तरह से वो शांत रहता है, उसको भौतिक संपत्ति की कोई लालसा नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना जाओ भगवान श्री है ना, आप पूरा दिन नाम जप करो और भगवान ये संभव अपना घर का पालन नहीं करो, नहीं करो, लेकिन उतना ही जितना जरूरत है, ज्यादा भौतिक संपत्ति के पीछे नहीं भागना यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है मतलब क्या, प्रयास नहीं करता क्या, घर पे बैठ जाता है क्या। संतुष्ट डजंट मीन वो आलसी है, नहीं, संतुष्ट मतलब आलसी नहीं है, वो भौतिक संपत्ति से संतुष्ट रहता है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में कभी संतुष्ट नहीं रहता। वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा हमेशा करना रहता, करते रहना चाहिए, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन के गुरु वृंद है, वो संतुष्ट है, शांत है, उनको भौतिक संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। इट डजंट मीन कि वो घर पे बैठे हैं। आप उनको देखिए, पूरे वर्ल्ड में वो लोग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रचार कर रहे हैं, अपने गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के का अनुसरण कर रहे हैं, उनके उनके जो आज्ञा है उनका ये लोग पालन कर रहे हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तभी तक हमारे जैसे लोगों तक ये हरे कृष्ण महामंत्र पहुंच पाया है। ये गुरु वृंद इतने उद्धार नहीं होते, इतने शांत, इतने संतुष्ट नहीं होते, तो हमारे पास ये नाम पहुंच ही नहीं पाता। हम जैसे पतित व्यक्ति, हमारे जैसे चांडाल व्यक्ति है ना, उनके पास कैसे नाम पहुंचता। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे विराम देंगे, बाकी जो है आज 15 गुण किए, बाकी जो है गुण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो जो वैष्णव के जो बाकी गुण है 11 गुण, वो हम बाद में करेंगे, जो वैष्णव के जो है कल करेंगे। लेकिन आज का ये जो लास्ट गुण था उसमें संतुष्ट रहता है, भौतिक संपत्ति की लालसा नहीं रहती, मतलब उसमें एक याद आता है, एक क्या बोलते हैं, एक श्लोका याद आ रहा है, आश्ली सेवा पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सन एव नापरा। बोलता है आप मुझे किसी भी परिस्थिति में रखो, लेकिन आप मेरे हमेशा स्वामी रहोगे, आप मुझे चाहे स्वीकार करो या ठुकराओ, मैं हमेशा आपका दास हूं और मैं आपको हमेशा पूजूंगा। दैट इज वैष्णवस क्वालिटी, है ना। प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे ये मांगता हूं कि मैं आपके नाम की भीख मांगता हूं। क्या ऐसा एक वैष्णव होता है, वो भौतिक संपत्ति नहीं मांगता, वो भगवान से भगवान को मांग लेता है, उसको भौतिक संपत्ति की कोई लालसा नहीं होती, ठीक है। हरे कृष्णा। फिर आगे हम बाकी के जो 15-11 गुण है
वैष्णव की 2011 क्वालिटीज वो हम कल करेंगे सेम टाइम या इससे थोड़ा पहला। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृष्णा।